तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आ गए हैं दूसरी वीडियो के साथ, और अभी हम जिम जा रहे हैं। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं भाई इससे पाँच दस क्यों रहे? कोई नहीं भाई, 5:10 हो रहे हैं और अब जिम जा रहे हैं। खा पी लिया था। मौसम एक बार चेक करो, थोड़ी बारिश वारिश आ रही है। बूंदा बांदी नहीं आ रही? हाँ। ये भाई साइकिल पे जा रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं पैदल ही जाऊँगा। ये सामने ट्रेन है, तो बाकी मिलते हैं आपसे जिम में। जिम में तो भाई यहाँ पे ना, ये जो रेलवे की क्रॉसिंग है ना, ये पटरी, ये शायद उठा के ना ऊपर कर रहे हैं और ये वाली हटा रहे हैं, पुरानी वाली जो थी। तो इस वजह से ये पूरी रोड मतलब आधी कर दी है और वो सारी खोद दी है नीचे। इस वजह से ना भाई गाड़ियों की जगह बची है, पीछे भी दिखा सकता अगर। गाड़ियाँ भी फुटपाथ पे ऑलमोस्ट खड़ी हुई है। तो भाई इस क्रॉसिंग में ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे ना रेड लाइट नहीं है। मतलब यूजुअली आप बटन दबा के जा सकते हो, यहाँ पे कोई बटन वटन कुछ नहीं है। बाकी जैसे इंडिया में अपना क्रॉस करते थे ना, वैसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो अब हम बस चेक वेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ हटेंगी फिर हम जाएंगे। तो भाई फाइनली रोड क्रॉस हो गई है। अब यहाँ पे आके भाई बढ़िया सा ट्रैक है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलता है पाथ ये, तो बढ़िया है। और भाई एक बार सामने मौसम चेक करो, हमें कुछ उसी मौसम के पास जाना है क्योंकि वहीं है जिम हमारा। और भाई यहाँ पे हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है, मैं भूल गया था। हाँ, यहाँ पे साइकिल पे भी जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे अभी ना ट्रेन आ रही है, भाई वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए ना, तो वो जब क्लोज कर रहे हैं, तो ये मेन रीजन जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक हटाने का था वो यही था कि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी। तो अब ये हट जाएंगे थोड़े टाइम बाद, बट तब तक हमें भाई दिक्कत होगी क्योंकि ट्रेन नहीं चलती यहाँ से डायरेक्ट। ये देखो बाकी ट्रेन आई गई है, ये फ्रैंकस्टन लाइन है ना। बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। अभी हम जैकेट के ऊपर जैकेट पहन के आए हुए हैं। वही जिम में तो उतार देते हैं, बट यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। I don't understand. I'm doing the best that I can right now. But it's never enough. एक बार आप चेक करो मौसम, सनसेट हो रहा है वहाँ। वहाँ बेसिकली बीच है, तो वहाँ पे सोचो कितना अच्छा व्यू आ रहा होगा। बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। हाँ बीच मतलब उस साइड है, हाँ इस तरफ। तो बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। ओ उस तरफ जो बिल्डिंग है वहाँ पे है, ये मेंटून स्टेशन है। ये बस क्रॉस करके ही जिम आ जाता है हमारा। भाई जिन जिन लोगों को ना वेट गेन करने में दिक्कत होती है और लगता है कि भाई कैलोरीज कैसे बचाएं और कैसे मतलब अपना वेट जो है मेंटेन करें और ऊपर ही जाए नीचे ना आए, उसका एक और मतलब जैसे भाई साइकिल चलाते हो आप, आपको एक तरीका बताता हूँ साइकिल कैसे चलानी है। अब देखो मैं पैडल नहीं मार रहा, बता दे भाई। भाई यही तरीका है एक तो आप इससे वेट गेन कर सकते हो इजीली। तो साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल के नाम पे आप साइकिल नहीं चला रहे, तो वही बात है। जिम आ गया है सामने, ये है जिम हमारा, साउथ पैसिफिक हेल्थ क्लब। तो अब आपसे जिम में जाके मिलते हैं, वो कार्ड वार्ड स्कैन करना होता है, उसके बाद मिलते हैं। कौन सा बॉडी पार्ट कर रहे हैं? मैं बॉडी पार्ट कर रहा हूँ भाई, लेग्स। बॉडी पार्ट लेग्स। और मेरे को अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो मैं मिक्स वर्कआउट ही करूँगा। नेक्स्ट वीक से सिंगल बॉडी या डबल बॉडी पार्ट जैसा भी होगा वो देखते हैं। गाइस जिम आ गए हैं और अभी थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं जस्ट, और ये स्क्वाट्स ले रहे हैं। थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अभी स्ट्रेचिंग करिए बस। वैसे स्ट्रेचिंग करिए, मैंने भी वार्म अप करा थोड़ा सा, 5-7 मिनट और वार्म अप करेंगे उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। मैंने मिक्सी करनी है सब आपको बताया। बाकी मैंने अभी 60 kg की स्क्वाट वार्म अप होता था, 60 kg स्टार्ट करते थे पहले, और अब इतना मुश्किल लग रहा है वही। यहाँ पे इसकी बेंच हो गई है, मतलब दूसरा सेट लिया उसने। तो भाई वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और अब चल रहे हैं घर। ये अपने कपड़े वपड़े पहन रहा है, देख लो पंप। तो भाई ये अपना यूपी
वालों ने बनवाया था, मतलब योगी जी ने जिम बनवाया है, क्योंकि योगी है, योगी जी का ऊपर नाम लिखा हुआ है तो योगी जी का जिम है। तो भाई हम इसे क्रीड बना रहे हैं, अभी क्रीड 4 में इसने ही एक्टिंग करनी है। ये कहता कि भाई जिम में कार्डियो कर लूँ, मैं घर तक भाग ले, एक ही बात है जिम में क्या कार्डियो करेगा खड़े खड़े ट्रेडमिल पे। ना भाई ज़्यादा देर ना ट्रेडमिल पे रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे नीज खराब होती हैं। अब बाकी हम इसको घर तक भगा के लेके जाएंगे, मैं जा रहा हूँ साइकिल पे, मेहनत करनी चाहिए ऐसे। और भाई आप पूछोगे भाई मैं साइकिल पे क्यों, मैं साइकिल पे इसलिए क्योंकि मेरा गोल वेट कम करना नहीं है, बढ़ाना है। इसको वेट कम करना मतलब इसको थोड़ा फैट हटाना तो इस वजह से ये कार्डियो ज़्यादा करेगा। अबे सीधा 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 गाइस, गाड़ी के नीचे नहीं आना, ये सीधा भाग रहा था। तो भाई इसे ना लग रहा है कि मैंने वीडियो बंद कर दिया, तो ये देखो ये चल रहा था, भागने लग गया वापस। जब तक वीडियो बने भाई ये भाग रहा है, और जैसे ही वीडियो बंद होती है ये चलने लग जाता है। ये है आज के फेक इन्फ्लुएंसर्स। नेटी है तू? क्या नेटी है? नेटी हाँ नेटी। बस मजाक है, ये नेटी है। चल जल्दी चल चल। तो ये देखो ये भाग के आ रहा है, ये खो गया था बेचारा, अब वापस आ रहा है। मैंने बस 3-4 पैडल मारे थे, मैं इतना आगे आ गया था, पूरे रास्ते भाग रहा है ये। अब चल 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 चल। आ गए हैं भाई घर। थक गया? नहीं थका। ये हमारे छोले हैं, ये हमने फुलके बना लिए, चिकन वहाँ रेडी हो रहा है, हट जा एयर फ्रायर में। ये थोड़ा थोड़ा जूस, पाइन एप्पल H2 जूस। और ये हम साथ में भाई थोड़ा वो है ना यार, बस हेल्दी है ना ज़्यादा 100% नेचुरल। तो गाइज अभी हम खा पी के बैठ गए थे और अभी हम सुल्तान मूवी देख रहे थे, तो बस बढ़िया मजे आए सुल्तान देख रहे थे। और कल इसी के गाने सुन के जिम होना है, बट मेरी सुबह जल्दी शिफ्ट है, तो इसके बाद मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लेते नहीं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज। बस सुल्तान देख रहे थे। तू बोलियो सुल्तान।